हेलो फ्रेंड्स, तो हम लोग चलिए ओम्स लॉ स्टार्ट करते हैं। ये हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। क्या है ओम्स लॉ? मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का, ठीक है? क्यों? क्योंकि जब तक फिजिक्स रहेगा तब तक ओम्स लॉ छूटेगा नहीं, ठीक है? तो चलिए फ्रेंड्स, ओम्स लॉ स्टार्ट करते हैं। ओम्स लॉ, इसके पहले हम लोग क्या पढ़ लिए? पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ लिए, वोल्ट मीटर पढ़ लिए, किसको बोलते हैं। अब ओम्स लॉ देखते हैं फ्रेंड्स। ओम्स लॉ किसको बोलते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस, ये मैं पिछला में बता चुका था। पीडी किसको रिप्रेजेंट करता है फ्रेंड्स? पोटेंशियल डिफरेंस को। और पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग वी से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टू पॉइंट ऑफ अ मेटेलिक कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट पासिंग थ्रू द सर्किट। पोटेंशियल डिफरेंस किसको बोलते हैं फ्रेंड्स? पोटेंशियल डिफरेंस उसको बोलते हैं जहां पे करंट जो पास करता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होता है, सॉरी ओम्स लॉ किसको बोलते हैं? जहां पे पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट, ठीक है? इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टू करंट पासिंग थ्रू द सर्किट। जो सर्किट से करंट पास कर रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होगा फ्रेंड्स? करंट का, ठीक है? और प्रोवाइडिंग इट्स टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट। और उसका जो टेम्परेचर होगा फ्रेंड्स वो रिमेन कांस्टेंट होगा, मतलब उसका जो टेम्परेचर इनिशियल में होगा, जो शुरुआती में होगा, वो फाइनल में जब एक्सपेरिमेंट पूरा हो जाएगा उसके बाद भी वही रहेगा, ठीक है? तो मेरा एक्सपेरिमेंट पूरा होगा। फिर से एक बार समझ लेते हैं ओम्स लॉ किसको बोलते हैं फ्रेंड्स। ओम्स लॉ उसको बोलते हैं जहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करंट का होगा और उसका जो टेम्परेचर होगा वो रिमेन कांस्टेंट होगा। बस दो मिनट का है ओम्स लॉ, उससे ज़्यादा नहीं। अब चलिए हम लोग ओम्स लॉ का फॉर्मूला डिराइव करते हैं एकदम डिफिनेशन से ही। देखिए क्या क्या बोल रहे हैं डिफिनेशन में, क्या बोले? पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका हो? करंट का। तो देखिए पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस को भी से रिप्रेजेंट करते हैं, देखिए यहाँ पे बताएं। और मैं पिछला वीडियो में बता चुका था करंट को आई से रिप्रेजेंट करते हैं। और मैं बहुत सारे जब भी बताया हूँ कि पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या फिर इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा तो उसको हम लोग हटाते हैं तो एक कॉन्स्टेंट आता है फ्रेंड्स, ठीक है? तो वी इज इक्वल टू आई इंटू आर, ये हो गया मेरा ओम्स लॉ, ठीक है? ये मेरा ओम्स लॉ का फॉर्मूला हो गया फ्रेंड्स, ओम्स लॉ का फॉर्मूला। तो देखिए यहाँ पे क्या है, भी क्या है मैं लिखूंगा नहीं, बता दूंगा, आप लोग नोट कीजिएगा अपने पेन निकाल के कॉपी में। भी है पोटेंशियल डिफरेंस, आई है करंट, आर है रेजिस्टेंस, ठीक है? भी क्या है फ्रेंड्स? और यहाँ पे मैं एक चीज़ और बताने के लिए भूल गया, ओम्स लॉ को रिप्रेजेंट इससे करते, ये नहीं कि हम लोग इससे रिप्रेजेंट कर देंगे, ठीक है? ये ओम हो गया, ठीक है? हम लोग इससे नहीं रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स? तो इसको नोट डाउन करें। और एक चीज और मैं बता रहा हूं, देखिए यहां पे भी और आई, आपसे ये क्वेश्चन नहीं पूछता, ये समझ में आ गया कि ये कहाँ से आया? ये डिफिनेशन से मैं डिराइव किया कि पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। एक चीज़ और मैं बताता हूँ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जब भी बताता हूँ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल मैं जब भी बताता हूँ, तो एक चीज़ और बताता हूँ क्या, कि जब भी मेरा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा तो मतलब एक बढ़ा तो दूसरा भी बढ़ेगा, एक घटा तो दूसरा भी घटेगा। इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस अगर बढ़ा तो करंट भी बढ़ेगा, पोटेंशियल डिफरेंस घटा तो करंट भी घटेगा, ठीक है? तो उसी प्रकार से फ्रेंड्स, और मैं हमेशा बताता हूँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ किस तरह होता है फ्रेंड्स, स्ट्रेट ग्राफ होता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ कैसा होता है? स्ट्रेट होता है। तो ये आपका आता है, इसको नोट डाउन करें फ्रेंड्स। अब मैं नेक्स्ट में दो मिनट का और मैं लूँगा इसमें, अब नेक्स्ट में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ और बताऊँगा, इसको नोट कीजिए, मैं रफ करता हूँ, ठीक है फ्रेंड्स? तो इसी के साथ मेरा ओम्स लॉ यहाँ पे समाप्त हो गया फ्रेंड्स। हम लोग क्या क्या पढ़ लिए, ओम्स लॉ किसको बोलते हैं, ओम्स लॉ को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ओम्स लॉ का डिराइवेशन पढ़ लिए फ्रेंड्स, और ओम्स लॉ का ग्राफ पढ़ लिए। अब हम लोग को क्या पढ़ना है फ्रेंड्स, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे पढ़ेंगे। अब हम एक चीज़ हाँ ये पढ़ेंगे, जैसे यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस पीछे पढ़ लिए फ्रेंड्स, करंट भी पढ़ लिए हम लोग, अब हम लोग रेजिस्टेंस पढ़ेंगे, ठीक है? अब रेजिस्टेंस पढ़ेंगे फ्रेंड्स, इसको आप लोग नोट डाउन करें फ्रेंड्स। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे अब हम लोग लेके आ रहे हैं रेजिस्टेंस किसको बोलते हैं, ठीक है? तो इसको नोट करें, आज का लेक्चर बस इतना ही फ्रेंड्स। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे हम लोग मिलते हैं रेजिस्टेंस किसको बोलते हैं उसको लेके, ठीक है? थैंक यू फ्रेंड्स।